थैंक यू इंग्लिश में विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू सो मच आप हर साल हम कुछ ना कुछ खास करते हैं और अगले साल के लिए कुछ ना कुछ खास सोचते हैं इस साल मधु जी ने क्या खास किया और अगले साल के लिए क्या खास सोच रखा है इस साल तो जो मैंने किया है वो तो आप लोग के सामने है जी और अगले साल भी कुछ नया करने की कोशिश किए हैं और अभी हमने भोजपुरी में भोजपुरी प्रीमियर लीग में मनोज तिवारी की टीम हमने खरीदी है और आगे भी रहेंगे जो बताऊंगा सर फिल्में भी काफी आप पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपकी योगदान की सारी फिल्म इंडस्ट्री तारीफ कर रही है क्या रोडमैप है इस इंडस्ट्री के लिए आगे या फिर किस तरह से काम किया जाएगा देखिए भाई हम तो सबको साथ में लेकर चलने का काम करते हैं हमने ना कभी कोई पॉलिटिक्स खेली ना कुछ हम जब से इंडस्ट्री में हमारा सबके साथ रिलेशन एक साथ में है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर साल कुछ नया इंडस्ट्री को देख मनोज तिवारी वाली टीम की जो बात कर लीजिए सर आपने क्रिकेट का क्रिकेट टीम को ओन करने की ओन करने का आइडिया कहाँ से आया एक्चुअली मैं 2002 में कॉलेज ठाकुर कॉलेज में पढ़ता था तो अपने कॉलेज के लिए खेलता था तो क्रिकेट का शौक बहुत पहले से है और स्टेट लेवल तक गया था खेल और ऑलराउंडर हूँ बैटिंग भी करता हूँ बॉलिंग भी करता हूँ तो ऐसे एक दिन परवेश भाई से बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बोला कि हम मनोज तिवारी की टीम खरीदने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमने बोला ठीक है कोई नो प्रॉब्लम तो हमने अच्छा सबसे अच्छी बैट सबसे अच्छा बैट्समैन अपनी टीम में कौन है साहब अगर मैं आपको पूछूं तो फिलहाल तो अभी पता नहीं है क्योंकि अभी अभी जस्ट अभी तो एक दो दिन से लॉन्च नेट प्रैक्टिस शुरू हुई है अब धीरे धीरे आप लोग के सामने पता चलेगा मनोज जी आप युवा हैं यहाँ पे जो लोग भी आपके बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं आपका बहुत उज्ज्वल है जी भोजपुरी इंडस्ट्री को आप एक नया मुकाम तक ले जाएंगे जी जी क्या उम्मीद है क्या करना चाहेंगे जी हमने अभी तक 5 इंटरनेशनल शो किए हैं और आगे भी शोज करते रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जहाँ जहाँ भोजपुरी नहीं पहुँची है वहाँ वहाँ तक भोजपुरी पहुँचाएंगे ये मैंने प्रण किया है और अभी नेक्स्ट मतलब ये जैन है फैब में मेरा मस्कत में प्रोग्राम है फिर उसके बाद दुबई में है और 11 मार्च को हम नेपाल में कर रहे हैं जनकपुरधाम सीता माता की नगरी तो ऐसे हर कंट्री में सोच रहे हैं धीरे धीरे अपने भोजपुरी का पहचान बनाएं सर आप काफी युवा है भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या कुछ नया युवा सोच देने वाले हैं क्या कुछ नई दशा दिशा सोच क्या देना है बस काम करना है सबको साथ में लेकर चलना है बस नया सा थीम जो शेयर करना चाहें जो आपके जहन में कुछ नहीं कोई ऐसा तो विशेष अभी तक नहीं है लेकिन जो कर रहे हैं आप लोग के सामने दिख रहा है तो बस थैंक यू सर